केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक आज, चुनाव से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, पीएम आवास पर होगी कैबिनेट की बैठक। 30 मार्च को मेरठ में पीएम मोदी जयंत चौधरी के साथ करेंगे रैली, बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के लिए जनता से पीएम करेंगे अपील। पीएम मोदी ने संदेश खाली पीड़िता भाजपा प्रत्याशी से की बात, मोदी ने रेखा को शक्ति स्वरूपा बताया, रेखा पात्रा ने टीएमसी नेताओं के शोषण का मुद्दा उठाया था। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची की जारी, पीएम मोदी समेत 40 लीडर करेंगे जनसभा, सीएम योगी, राजनाथ सिंह, अमित शाह का नाम। दिल्ली में कांग्रेस सीसी की बैठक आज, लोकसभा चुनाव को लेकर के होगी चर्चा, यूपी की भी सीटों पर होगा मंथन। कांग्रेस की सातवीं लिस्ट जारी, 5 कैंडिडेट्स के नामों का किया ऐलान, छत्तीसगढ़ के 4 और तमिलनाडु का 1 प्रत्याशी घोषित। अधीर रंजन बोले, वरुण गांधी परिवार से जुड़े इसलिए टिकट कटा, उनकी इमेज साफ सुथरी, अगर वे कांग्रेस में आएंगे तो हमें खुशी होगी। आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन का करेंगे आगाज, मथुरा मेरठ गाजियाबाद में प्रबुद्ध सम्मेलन। रुद्रपुर में बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट आज करेंगे नामांकन, सीएम धामी समेत प्रदेश के भाजपा नेता मौजूद रहेंगे। मेरठ के अघोरनाथ मंदिर में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने की पूजा, शिवलिंग पर जलाभिषेक करने पहुंचे अरुण गोविल, जीत की मनोकामना लेकर मंदिर पहुंचे। मुरादाबाद में युवाओं ने सपा प्रत्याशी का फूका पुतला, बाहरी प्रत्याशी रुचि वीरा का फूका पुतला, रुचि वीरा वापस जाओ के लगाए नारे। प्रयागराज में उमेश पाल के घर बमबाजी का मामला, जयापाल ने धूमगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। मथुरा में चरकुला नृत्य का किया गया आयोजन, काफी संख्या में लोग नृत्य देखने पहुंचे, होली के बाद होता है नृत्य का आयोजन। बहराइच के सुहेल देव सुभाषशाही मेडिकल कॉलेज की घंटों तक फंसी रही लिफ्ट, लिफ्ट से सवा घंटे तक फंसा रहा तिमारदार लिफ्ट टेक्नीशियन ने बाहर निकाला। चंदौली के मुगलसराय में शराब के नशे में युवक की हत्या, दोस्त ने दोस्त के सर पर मारा डंडा, इलाज के दौरान युवक की मौत। बिजनौर के नसीबाबाद में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, ड्राइवर को नींद आने के चलते हुआ हादसा, मृतक अमरोहा के सिकरेहडा के रहने वाले। बिहार के आरा में ट्रेन में लगी आग, होली स्पेशल ट्रेन में लगी भीषण आग, ट्रेन से जान बचाकर कूदे यात्री। रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद का निधन, 95 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, पीएम मोदी बोले उन्होंने अनगिनत दिलों पर अपनी छाप छोड़ी। सोनम वांगचूक ने 21वें दिन अनशन तोड़ा, बोले आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, अब महिलाएं भूख हड़ताल करेंगी, लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग। तमिलनाडु के बन्नारी अमन मंदिर में कुंडम उत्सव मना, मन्नतें पूरी करने के लिए दहकते अंगारों पर चले भक्तों ने देवी बन्नारी की पूजा की। अमेरिका में जहाज के टकराने से ब्रिज ढहा, कार्गो शिप पर मौजूद सभी 22 लोग भर्ती, ब्रिज गिरने के बाद 6 लापता लोग मृत घोषित। फ्लोरिडा में बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, 14 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट डिलीट होंगे,
अगले साल लागू होगा कानून। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने 3 नए एस्ट्रोनॉट शनिवार को सोयुज स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन के लिए निकला था। मौके पर अब कुल 10 एस्ट्रोनॉट मौजूद। रणवीर कपूर ने रामायण फिल्म की तैयारी शुरू की। एक्टर की इंटेंस ट्रेनिंग की तस्वीरें सामने आई, सोशल मीडिया पर वायरल। करीना कपूर और सैफ अली खान ने मनाई होली, मनाई छुट्टियां। तंजानिया में दोनों ने गले मिलकर के पोज दिया है। करीना कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की तस्वीर।